नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गुड न्यूज आ रही है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए विभाग ने मांगे 600 पद, अनुमति मिली तो होगी नई वैकेंसी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए व्यापम से भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए 300 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम को 6,20,000 आवेदन मिले। जुलाई में इसकी परीक्षा होने की संभावना है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर छात्रावास अधीक्षक के लिए नई भर्ती निकलेगी। इस बार पदों की संख्या 600 होने की संभावना है। इसके लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने विभागीय अनुमति मांगी है। इस संबंध में अफसरों का कहना है कि विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास व आश्रमों में छात्रावास अधीक्षक के 900 पद खाली है। इनमें से 300 पदों को भरने के लिए पिछले साल सितंबर में सहमति दी गई। इसके अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। शेष खाली पदों के जगह वैकल्पिक व्यवस्था की गई। कई जगह एक छात्रावास अधीक्षक के पास दो दो हॉस्टल का प्रभार है, इससे उन्हें परेशानी हो रही है। इसलिए रिक्त पदों को भरना जरूरी है। इसे लेकर रिक्त 600 पदों पर भर्ती की योजना है। विभाग से अनुमति मिलने के बाद यह पद भरे जाएंगे। इसके लिए नई वैकेंसी निकलेगी। वर्तमान में चल रही छात्रावास अधीक्षक भर्ती में पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, यह 300 पदों के लिए ही होगी। तो देखिए, अब नए जो भर्ती आएगा उसमें 600 होगा, इसमें जो 300 है केवल 300 पदों पर ही भर्ती होगी। नए पदों की भर्ती की मांग चल रही है। छात्रावास अधीक्षक के हर पद के लिए 2,066 दावेदार है, क्योंकि 300 पदों के लिए 6,20,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। वर्तमान के छात्रावास अधीक्षक भर्ती में कड़ी प्रतिस्पर्धा। इस साल 31 मार्च से 1 अप्रैल तक आवेदन मंगाए गए थे। 300 पदों की भर्ती के लिए 6,20,000 आवेदन आए हैं, यानी एक पद के लिए 2,066 दावेदार है। पिछली भर्ती परीक्षाओं में यह देखा गया है कि आवेदन करने के बाद कई उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं होते। हालांकि फॉर्म भरने वाले 25 से 30% अभ्यर्थी परीक्षा में अब्सेंट रहे, तब भी हर पोस्ट के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में 50% नंबर पाना जरूरी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, इसलिए फॉर्म ज़्यादा आते हैं। छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों के लिए व्यापम से पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास थी, इसलिए भर्ती के लिए 6,00,000 से अधिक आवेदन आए हैं। इस बार स्थिति ऐसी बनी कि रायपुर, दुर्गा, बिलासपुर जैसे कुछ जिलों के लिए 40,000 से ज़्यादा फॉर्म आए। छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए व्यापम से जल्द शेड्यूल जारी होगा। जुलाई में परीक्षा होने की संभावना है, तो इसकी जो एग्ज़ाम है जुलाई में होने की आशा है कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए। अभी की भर्ती 300 पोस्ट के लिए ही होगी, नहीं बढ़ेगी पदों की संख्या। नई भर्ती जो आएगी उसमें 600 पद के लिए। छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए विभाग ने मांगे 300 और नए पद, तो नई वैकेंसी के लिए 600 होगा, लेकिन जो अभी वर्तमान में चल रही है उसमें केवल 300 पदों पर ही भर्ती होगी। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।